राज्य सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका से प्लम, आड़ू, खुमानी और बादाम के 56,000 पौधे आयात कर रही है। इन पौधों की पहली खेप इसी महीने पहुंच जाएगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में बताया कि क्वारंटीन के बाद जल्द ही ये पौधे बागवानों को वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिलों में गुठलीदार फलों का काफी उत्पादन होता है। बागवानी मंत्री ने कहा कि शिवा प्रोजेक्ट के दायरे को 6,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिवा प्रोजेक्ट का जो एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि निचले क्षेत्रों में ज़मीन बहुत लंबे समय से जो है बिल्कुल बंजर पड़ी थी। जंगली जानवरों के कारण लोग जो है उसमें फसल ले नहीं पा रहे थे। तो ये जो शिवा का जो प्रोजेक्ट है उसमें पूरे हम जो है क्लस्टर के रूप में, जैसे कोई 30-40 हेक्टेयर एक साथ ज़मीन लेते हैं, जिसमें बेनिफिशरीज जो ज़मीन वाले हैं उनको एक एसोसिएशन के रूप में उनको एक संस्था बनाते हैं, और जो इस प्रोजेक्ट में पूरे जो चारों तरफ से जो सोलर फेंसिंग है या जाली के द्वारा फेंसिंग करके उसके अंदर जो प्लांटेशन के लिए जो तैयारी करनी है, उसमें जैसे हम पौधे कितने लगाने हैं, कैसे बेड तैयार करने हैं, उसके लिए जो गड्ढे खोदने हैं सारा खोद कर देते हैं, और पानी की स्कीम इसके लिए तैयार करते हैं, और पानी भी जो है इसमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से देने का है। तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम जो है इलाके के हिसाब से कहीं अनार, कहीं अमरूद, कहीं पर जो है सीट्रस, ये सारे किस्म के वैराइटीज़ को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सेब को यूनिवर्सल कार्टन के में बेचने को लेकर भी जल्द फैसला लिया जाएगा और इस बारे में बागवानों के साथ बैठक की जाएगी।